स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में कि कैसा कॉलेज है, कितनी प्लेसमेंट जाती है, कितना कट ऑफ है, क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ये, कैसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा कैंपस लाइफ है, कितना इनका फैकल्टी है, कितना फीस है इनकी, सारा कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो पहले क्विक अपडेट्स में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्योंकि कोविड 19 चल रही है तो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो क्विक अपडेट्स में आपको बता दूँ तो जुलाई 4 को इन्होंने बताया था कि नीट 2020 एप्लीकेशन कोर्स विंडो को रीओपन कर दी गई है जुलाई 4 से, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम से बहुत सारे एडमिशन लेते हैं। इसलिए जून 30 को इन्होंने अपडेट दिया कि AILET 2020 कंडक्टेड इन रिमोट प्रोटेक्टेड मोड अगस्त 18 को करी जाएगी। जून 19 को इन्होंने अपडेट दी थी NIMS इनवाइट एप्लीकेशन बीटेक एमटेक डिप्लोमा और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एडमिशन के लिए जो 2020-24 बैच के लिए। अब बात करते हैं NIMS यूनिवर्सिटी की। तो यार NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैं बोल सकता हूँ 2018 में इनको मिला है अकॉर्डिंग AASOCHAM इंडिया के तरफ से बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट उसी ऑर्गेनाइजेशन से इनको मिला है। ये बेस्ट स्किल डेवलपमेंट करते हैं बच्चों का और बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है ये। AICTE 2017 में इनको अवार्ड देती है NIMS जयपुर को बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया के रूप में। लार्जेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो कवर करती है ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेस इन 8 मेजर स्ट्रीम अवेलेबल। टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो इनके पास है वो लगभग 100 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनरोल टिल डेट करते हैं 12,000 प्लस है। NIMS की जयपुर की हाईलाइट की बात करूं तो एस्टेब्लिश 2008 में हुई थी। एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन की बात करूं तो AICTE और UGC से अफिलिएटेड है। कोर्सेज की बात करूं तो UG, PG, PhD। स्ट्रीम्स की बात करूं तो लॉ, मेडिकल, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्निकल, ह्यूमैनिटीज, लॉ, कॉमर्स, बहुत कुछ मिल जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो मेरिट बेस होती है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 12,000 प्लस मैंने बताया था, 12,000 प्लस। पेपर पब्लिश्ड की बात करूँ तो 15,000 प्लस। फैकल्टी की बात करूँ तो 550 प्लस इनके पास फैकल्टी स्टाफ्स हैं। टेक्निकल स्टाफ की बात करूँ तो 1145 प्लस। लेबोरेटरी 100 प्लस। बुक्स एंड चैप्टर्स ऑथर की बात करूँ तो 100 प्लस है इनके पास। अब NIMS जयपुर की कोर्सेज की बात करूँ तो NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर कोर्सेज। स्पेशलाइजेशन जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ड्यूरेशन कोर्स की भी आपके स्क्रीन पे दिख रही है। जैसे बीटेक में बात करूँ तो 4 ईयर की होती है। एरोस्पेस, एग्रीकल्चरल, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्निकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, IT, मैकेनिकल। एमटेक की बात करूँ तो एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बायोटेक्निक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, IT और बहुत सारे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। BA, MA, MSc, डिप्लोमा, MPhil, MBA ये सारे कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करूँ NIMS जयपुर की एडमिशन प्रोसेस की तो एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल होती है ऑनलाइन होती है ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट में। कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है बहुत सारे कोर्सेज के लिए, सारे कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट। और एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भी आप भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन दी जाती है, ऑफलाइन भी आप भर सकते हो। प्रोसेस की बात करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जानी है, पे करनी है इंडियन रुपीज़ 1100 रुपये, एप्लीकेशन को फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब डालनी है। ऑफलाइन भी आप कर सकते हो, डाउनलोड करनी है यदि आप ऑनलाइन करते हो तो एप्लीकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट से, और पूरी तरह भर के अच्छे से आपको सबमिट कर देनी है। या तो आप ऑनलाइन दे सकते हो या DD के माध्यम से या चेक के माध्यम से, किसी भी तरह से आप ऑफलाइन पे कर सकते हो इनको 1100 रुपये। बात कर लेता हूँ NIMS यूनिवर्सिटी PhD एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन सेम आपका यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन फी जो है इसमें आपको 3,000 लगेंगे MPhil और PhD के लिए। सबमिशन सेम होगी, सारा प्रोसेस सब कुछ सेम होगा। प्रोसेस क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं आपको बता दूं प्लेसमेंट की NIMS यूनिवर्सिटी की, तो NIMS यूनिवर्सिटी एक्सेलेंट रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का इनके पास, 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं सभी ब्रांचेस में। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सभी ब्रांचेस में इन्होंने 100% प्लेसमेंट का दावा कर रहे हैं। इनके पास सेंट्रलाइज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो कि स्ट्रक्चर इंटरफेस को और कॉरपोरेट के साथ तालमेल बना के रखती है। कॉरपोरेट एसोसिएटेड इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इनकी टाइप है। तो मेन रिक्रूटर इनके पास आती है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में A2 इंफ्रा, एकेडमिक गुरु, एयरनेट, कॉन्क्रीज, HCL, लाइनटेक, HMD, रैमसोन, बहुत सारे इनके पास रिक्रूटर आती है। वहीं आप NIMS जयपुर की फैसिलिटीज की बात करूँ तो लाइब्रेरी है इनके पास, NIMS सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। हाउसेड है लगभग 2500 स्क्वायर मीटर में। यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है वेल स्टॉकेड सेपरेट लाइब्रेरी ईच ऑफ इट्स कॉलेज में, फैसिलिटीज में सारा कॉलेज में सेपरेट लाइब्रेरी है।
अप्रोक्सीमेटली 62,146 बुक्स हैं इनके लाइब्रेरीज में, सब्सक्रिप्शन प्रिंट वर्जन है, 288 नेशनल और इंटरनेशनल जर्नलिज्म बेस्ड एसेस होस्ट ऑफ ई जर्नल्स इनके पास अवेलेबल है। हॉस्टल की बात करें तो रेसिडेंटल फैसिलिटीज है अवेलेबल, 1000 स्टूडेंट के लिए है यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल में फूड, एयर कंडीशन, जिम फैसिलिटी बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। स्टूडेंट्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ती है इनके हॉस्टल्स में, इनका जहां तक कहना है। वहीं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज में बात करूं तो इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स प्रोवाइड करती है इनको स्टूडेंट्स के लिए, डिपार्टमेंट वॉलीबॉल बास्केटबॉल फुटबॉल एक्सेट्रा ग्राउंड सब कुछ मेंटेन की जाती है पूरी अच्छे से। आगे बता दूं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की फीस और एलिजिबिलिटी की, तो एमएससी में आपको पर ईयर 50,000 लगेंगे, बीएससी में 40,000, बीटेक में 60,000 लगेंगे टोटल फी पर ईयर। यार जिस हिसाब से इनकी फीस रेंज है ना बहुत अच्छा है, कम है बेसिकली, और जिस हिसाब से इनकी फीस है उस हिसाब से ये बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। वहीं एमबीए की बात करूँ तो 60,000 से लपसम है फर्स्ट ईयर की फी, डिप्लोमा की 35,000 से लपसम, एमडीएस की 6,00,000 के लपसम है और डिप्लोमा की 60,000 के लपसम है। अपनी निम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट में आप किसी भी तरह कर सकते हो। आपको यदि बीपीटी बीओटी बीएससी नर्सिंग में लेना है तो आपको निम्स यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना पड़ेगा। एमबीबीएस BDS कोर्स के लिए एडमिशन ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG के स्कोर पे। वहीं BTEC BA BCA BSc एडमिशन यदि आपको लेना है तो NIMS एंट्रेंस टेस्ट आपको क्रैक करने पड़ेंगे, या BTEC में आपको लेने तो JEE मेंस के आधार पे भी आप ले सकते हो। NTA स्कोर मैंडेटरी होगा एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए, बी फार्मा BHMS LLB बी फार्मा डी एडमिशन के लिए आपको NIMS एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अपार्ट फ्रॉम NIMS एंट्रेंस टेस्ट गेट के पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करूं CAT, MAT, GMAT और CMAT क्वालिफाइड कैंडिडेट MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट PG क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट MD MS कोर्स के लिए, और वहीं नीट SS मैंडेटरी होगा फॉर DM और MC कोर्सेज के लिए। वहीं NIMS यूनिवर्सिटी ऑफर करती है MPhil PhD प्रोग्राम, बेसिक PhD एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट की जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसके बाद इंटरव्यू के राउंड के बाद आपको एडमिशन होंगे। वहीं आप बात कर लूँ यूनिवर्सिटी एडमिशन हाईलाइट की, तो यूनिवर्सिटी जो है वो डीमेड यूनिवर्सिटी है। बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया जो होती है उनके पास, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है मेरिट बेस होती है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगी। जो एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट करते हैं उसमें NIMS यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो गई, नीट हो गई जिससे ये एडमिशन लेते हैं, UG NATA गेट नीट PG इस सभी से इन्हें एडमिशन लिया जाता है। काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट लेवल की बात करूँ तो NIMS एंट्रेंस पे हो जाती है, और वहीं गेट NATA नीट नेशनल लेवल पे होगी। स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं NIMS यूनिवर्सिटी मेडिकल एडमिशन की 2020 की, तो MBBS BDS BPT BOT BSc नर्सिंग। आप देख पा रहे हो यार स्पेशलाइजेशन ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी क्या है अपने स्क्रीन पे। एडमिशन मेडिकल साइंस में और उसके रिलेटेड कोर्स में ऑफर की जाती है NIMS यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वो की जाती है NIMS यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे। MBBS BDS प्रोग्राम के लिए वैलिड स्कोर आपको चाहिए नीट UG में। वहीं फाइनल एडमिशन जो कि होगी वो यूनिवर्सिटी के काउंसिल के आधार पे होगी। वहीं आपको बता दूं की पॉइंट्स की बता दूं तो MBBS में 40% मार्क्स SC ST OBC के लिए, 45% रिजर्व होती है लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी ऑफ लोअर लिम्स। वहीं आप बात कर लूँ NIMS यूनिवर्सिटी BTEC BSc BBA BCA एडमिशन की, तो NIMS यूनिवर्सिटी ऑफर करती है BTEC BBA BSc BCA कोर्सेस वेरियस स्पेशलाइजेशन में UG लेवल पे। अगर बात करूँ 10+2 पास कैंडिडेट की तो रिलेवेंट सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि एलिजिबल होना चाहिए उनको। एस्पिरेंट को क्वालिफाई करना पड़ेगा NIMS एंट्रेंस टेस्ट सिक्योर एडमिशन करने के लिए कोर्सेस में। BTEC प्रोग्राम में JEE मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा। BTEC प्लस MBA प्लस BTEC प्लस MTEC और BTEC लैटरल की मैं बता रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वहीं आपको बता दूं NIMS यूनिवर्सिटी की बी फार्मा और फार्मा डी एडमिशन की, तो कैंडिडेट को चूज किया जाता है बी फार्मा फार्मा डी और डी फार्मा प्रोग्राम में। क्लास 12th PCB के बाद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है एडमिशन फार्मा डी PB में स्टूडेंट और बी फार्मा डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एडमिशन यदि आपको लेना है फार्मा डी में वो स्टूडेंट विथ बी फार्मा डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको आने पड़ेंगे। आपको एडमिशन यदि आपको लेना है तो आप NIMS एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें भी अच्छे परफॉर्मेंस करके
आप अपने यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वहीं आपको बता दूं बी फार्मा प्लस एमबीए, फार्मा डी पीबी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर कोई डाउट रह जाती है, कोई चीज क्लियर नहीं होती है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमें पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं हम कंसल्ट करने के लिए। तो इस चीज़ की आप मत सोचो, यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कंसल्ट कर लो। वहीं आप बता दूँ निम्स यूनिवर्सिटी बी एग्रीकल्चर, BHMS और LLB एडमिशन की, तो UG लेवल पे निम्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ कोर्स, बहुत सारे कोर्स ही प्रोवाइड करती है, और सारा का जो प्रोसेस होती है वही निम्स एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे होती है, JEE मेंस के आधार पे होती है। स्क्रीन पे देख पा रहे हो आपकी कैसे हो जाएगी आपकी एडमिशन। अभी बात कर लो यूनिवर्सिटी में MTech, MBA और MCA एडमिशन के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जैसे MTech, MBA, MSW, MPED बहुत सारे कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं, और MTech एडमिशन को डन किया जाता है गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे या निम्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे। आपके MBA प्रोग्राम में कैंडिडेट को कंप्लीट करना पड़ेगा ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% के आधार पे एनी ऑफ द स्ट्रीम्स आर्ट साइंस कॉमर्स से। वहीं एडमिशन MCA प्रोग्राम में होगा, कैंडिडेट को होल्ड करना पड़ेगा BCA BSc डिग्री 55% मार्क के साथ। वहीं आपको बता दूं आप कोर्स के नियम और स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया MTech और MBA का देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। जैसे आपको MTech में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोल इंजीनियरिंग सारे मिल जाएंगे, MBA में वैसे ही हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग वगैरह बहुत सारे एक्सेट्रा आपको मिल जाएंगे। इस बीच आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें अपने हर दोस्तों के साथ, और जरूर हमसे कंसल्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दूं अगर PG मेडिकल लेवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है MSc नर्सिंग, MD, MSc, MDS, MCH, MD, MPT, MOT बहुत सारे, और मैं बार बार कह रहा हूँ सारा का जो प्रोसेस है वही निम्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से है, या कोई भी आप नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट देख के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो MSc मेडिकल और MD का स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। की पॉइंट्स की बात कर लूँ तो एंट्रेंस एग्जाम्स के लेने के बाद कैंडिडेट को कंसर्न करना पड़ेगा एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से सीट को अवेल करने के लिए, और उसके बाद आपके परफॉर्मेंस देखा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, बाद में आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको क्वालिफाई की जाएगी कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस और एक्सलेंट स्पोर्ट्स एंड अदर करिकुलम एक्टिविटी के आधार पे होगी। ऑल सेलेक्टेड एस्पिरेंट को अंडरटेक करना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट 4 वीक के लिए डेट ऑफ प्रोफेशनल एडमिशन के लिए। अब बात करूं निम्स यूनिवर्सिटी की MSc बी फार्मा डी एडमिशन 2020 की, तो निम्स यूनिवर्सिटी डी फार्मा MSc प्रोग्राम बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिक मेरिट लिस्ट पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पे सेलेक्ट की जाती है। स्पेशलाइजेशन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनटेक, कितना स्टूडेंट्स को लेते हैं देख पा रहे हो। निम्स यूनिवर्सिटी LLB, MSc, MCOM, MJMC सारा एडमिशन की बात कर लूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है PG प्रोग्राम लॉ साइंस कॉमर्स टेक्सटाइल रेफरल स्पेशलाइजेशन में, सिक्योर करती है एडमिशन इन द कोर्स ग्रेजुएशन डिग्री रेलिवेंट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होती है। फिर से आप निम्स यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो। आप कोर्स नेम LLM, MA, MSW, MRS, M.com सारा का आप अपने स्पेशलाइजेशन देख पा रहे हो स्क्रीन पे। अब बात कर लेता हूँ एक क्विक अपडेट की निम्स यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है फॉर्म को फिल करने से पहले, ये गाइडलाइंस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर मिल जाएगी, साथ ही हम आपको बता देते हैं एप्लीकेशन को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भरना पड़ेगा, आप ऑफलाइन भी भर सकते हो नो डाउट। 1100 रुपये आपको एप्लीकेशन फी की लगेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के टाइम में नोट डाउन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, पूरी प्रोसेस आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूँ, अभी COVID-19 चल रही है लेकिन जो जनरल जो नॉर्मल डेट्स होती है वो मैं बात कर लूँ, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन UG PG कोर्सेज के लिए 21 मई को होती है, निम्स एंट्रेंस टेस्ट लगभग 21 मई को ही हो जाती है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन MPhil PhD के लिए 10 जुलाई को होती है, MPhil PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22 जुलाई के लगभग होती है। अब फैकल्टी की बात कर लेता हूँ इसमें, तो मैं पहले ही बता दूँ अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, आपको बच्चों का रिव्यूज बताएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छी है। प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर चेयरपर्सन है इनके। अदर फैकल्टी की बात करूँ तो UK गुप्ता, स्क्रीन पे देख पा रहे हो यार एकेडमिक एक्सपीरियंस 38 ईयर, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की हाफ एज इनकी एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हो कितनी अच्छी इनकी फैकल्टी है। डॉक्टर SK अग्रवाल, डॉक्टर मृदुल्ला त्रेहन,
तो फैकल्टी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैं बात कर लूँ हॉस्टल की, जो हॉस्टल की ज़्यादा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी इनकी, ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थी ना कहीं हमें मिली, लेकिन जो बच्चों का रिव्यूज़ था उस आधार पे हम बोलने की कोशिश करेंगे। बच्चों का क्या कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, आपको अटैच बाथरूम और रूम मिल जाएंगे, स्टेजेस बहुत अच्छी है, मेस की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है और थोड़ा मैनेज हो सकता है और ज़्यादा। वहीं 1,00,000 रुपये मेस और हॉस्टल का लेते हैं। ये हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूँ तो सिर्फ एक जो लैक है बच्चों का कहना है कि वाईफाई नहीं है यार। मंडेला ब्लॉक की बात करूँ तो मंडेला में पीजी और रेसिडेंट डॉक्टर और इंटर्न्स रहते हैं। वहीं विवेकानंद हॉस्टल की बात करें तो इनका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वहाँ रहता है, जो कि फार है सीनियर स्टूडेंट से, ताकि रैगिंग ना हो सके। मेस जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी, फर्नीचर जो है वो सब सही है, लेकिन खाना ओके है इनमें। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो रिव्यूज। वहीं प्लेसमेंट की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी ओके है। वहीं बात कर लूँ कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है इंटर्नशिप, बहुत सारे नॉलेज अवार्ड ली जाती है, प्लेसमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्वाइट गुड है, जॉब डिस्कशन होती है, बहुत सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं स्कॉलरशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप लोकल रेसिडेंट ऑफ राजस्थान को और जयपुर इटसेल्फ को। वहीं हाफ ऑफ द फी रिटर्न की जाती है आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर लोन पॉलिसी के अंदर। वहीं ICICI बैंक से इनकी करार है, आप वहां से भी लोन प्रोवाइड कर सकते हो, ये उनमें मदद करेंगे। फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी मिस्टर तोमर इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज अवेलेबल। तो एक अच्छी है यार, मतलब स्टूडेंट्स की रिमार्क अच्छी जा रही है, अच्छी कॉलेज है। कैंपस लाइफ की बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, लैब, स्पोर्ट्स सब कुछ डिजर्व हो जाती है यूनिवर्सिटी में। बच्चे का ये भी कहना है कि कुछ प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं फुल की ऑर्गेनाइज फर्नीचर्स में। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि सब ओके है, उतनी डेवलप नहीं हुई है। सही है, मतलब सब कुछ डेवलप ही हो रहा है, तो डेवलपिंग स्टेज में बच्चों का क्या ही कह सकते हैं यार। मतलब किसी का कहना है कि डेवलपिंग स्टेज में है और कोई बोल रहे हैं कि डेवलप्ड हो गई है यूनिवर्सिटी। वहीं एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो गुड, सेमेस्टर वाइज होती है, ईयरली वाइज भी होती है। कॉलेज इवेंट्स की बात करें तो नीम्स महास्टेव सप्रदा इंजीनियरिंग फेस्ट होती है यहाँ पे, MBBS फेस्ट, डेंटल कॉलेज फेस्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल होती है यहाँ पे, BPT कॉन्फ्रेंस और फेस्ट, नर्सिंग फेस्ट होती है यहाँ पे, पार्टीज, ईयरली डिनर फॉर यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग एंड बाय द मैनेजमेंट। कॉलेज इवेंट्स भी बहुत सारे होती है, आपको मस्ती करने के लिए तो बहुत सारे टाइम मिलेंगे। नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के बारे में इतना ही, हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर कोई आपका डाउट या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट, मेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरीज है आप क्लियर कर सकते हो। हम फिर भी बता रहे हैं, हमने एडमिशन पे भी आपको बताया था कि आपको कहीं एडमिशन लेना है, कॉलेज के बारे में जानना है तो आप हमें कंसल्ट करो, गलत जगह में मत जाओ यार। हम कोई भी पैसे नहीं लेते हैं तो कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शेयर करो सभी के दोस्तों के पास, और जिनको भी एडमिशन चाहिए, जिनको भी कॉलेज के बारे में जानना है, सब हमारे पास आए, हमसे कंसल्ट करें, हम उनको जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यूज देंगे। इसी तरह लेटेस्ट कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।